हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सारे नूं स्वागत करता हाँ स्टडी हर वे टू सक्सैस दे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, स्क्रीन पे जिवें तुसीं देख सकते हो, अज दे क्लास विच असीं जनवरी मंथ दे कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हाँ। इस क्लास तो बाद तुहानूं जनवरी मंथ दे लई करंट अफेयर की क्लास देखने की कोई लोड़ नहीं है, असीं कंप्लीट इस दे विच करंट अफेयर करांगे। सो इस दे विच असी जनवरी मंथ दे मंथ एंड डेज, स्पोर्ट्स न्यूज़, पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, ये सारे टॉपिक असी इस सैशन विच करांगे। सो मैनू यही दसन की लोड़ नहीं हैगी भी ये क्लास तुहाडे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोनू आपनू ही पता भी जदों भी तुसीं सिलेबस देखते हो तां उहदे विच एक टॉपिक अलग तो मैंशन किया हुंदा है करंट अफेयर। तुसीं प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम देखो, उस दे विच 8 तो 10 मिनिमम क्वेश्चन करंट अफेयर स्टैटिक जीके तो हुंदे हन। सो असी इस क्लास नूं स्टार्ट करते हाँ, बट स्टार्ट करन तो पहला जो बच्चे नवे ने वो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते सारे जने इस नूं लाइक एंड शेयर कर दो। असी स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ दे स्पोर्ट्स न्यूज़ के नाम। पहला क्वेश्चन है, देखो रशिया ने फाइनल विच केड़े देश नूं हरा के, रशिया ने फाइनल विच केड़े देश नूं हरा के अपना तीसरा डेविस कप खिताब जीतया है। ए है क्रोशिया, पुर्तगाल, चाइना, स्पेन। आंसर की है क्रोशिया। क्रोशिया नूं हरा के रशिया ने अपना तीसरा डेविस कप जीतया है। इसका मतलब की है भी रशिया इस तो पहला भी 2 बार डेविस कप जीत चुका है, 2002 एंड 2006 के बीच। डेविस कप की है, डेविस कप पुरुष इवेंट टेनिस इवेंट है, ये टेनिस का इवेंट है। 15 साल का इंतजार करना पाया रशिया नूं, ये खिताब तीसरी बार जीतने लिए 15 साल का इंतजार करना पाया। रशिया के डैनियल मेदवेदेव ने दूजे सिंगल मैच मॉरिन सलीच नूं हरा के फाइनल विच रूस नूं ये खिताब दवाया। खिडारी का नाम की है रशिया के, डैनियल मेदवेदेव, एंड जो क्रोशिया का खिडारी है उसका नाम है मॉरिन सलीच। रूस का यह तीसरा डेविस कप है। रूस हम गल करते हैं रूस की, रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा करंसी है रूसी रूबल, इतों के राष्ट्रपति हैं व्लादिमिर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। हम अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हू बिकम इंडिया 73rd चैस ग्रैंड मास्टर, भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? भरत सुब्रमण्यम, मैगनस कार्लसन, एस पी सेथुरमन, डी गुकेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भरत सुब्रमण्यम। नॉर्वे के मैगनस कार्लसन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ने जो चैस नाल रिलेटेड ने। देखो नॉर्वे दे मैगनस कार्लसन ने 21 दिसंबर 2021 दुबई विच फिडे नाम का यह दुबई दुबई विच चैस का विश्व चैंपियनशिप होया सी, जिसनों किसने जितया? नॉर्वे दे मैक्सन मैगनस कार्लसन ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी ईयान ने नवंबर 2021 सर्बिया विच आयोजित होया थी 5वां रुजना जोरा शतरंज टूरनामेंट, ये किसने जितया? पी ईयान, जो कि हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर। BWF दी ताज़ा जूनियर रैंकिंग, बैडमिंटन वर्ल्ड फैडरेशन द्वारा एक जूनियर रैंकिंग जारी हुई है जिस दे विच अंडर 19 लड़कियां दे सिंगल्स विच विश्व नंबर वन दी रैंकिंग पहली बार किसी भारतीय शटलर ने हासिल की है। उसका नाम की है? उसका नाम है अनुपम उपाध्याय, तस्नीम मीर, गायत्री गोपीचंद, तनीषा क्रास्टो। क्वेश्चन समझ लग गया भी बैडमिंटन वर्ल्ड फैडरेशन द्वारा एक अंडर 19 लड़कियां दे लई एक रैंकिंग कड़ी गई है जिस दे विच पहली बार किसी भारतीय शटलर ने टॉप किया है, उसका नाम है तस्नीम मीर। नैक्सट देखो, नैक्सट इन्हों विचों केड़े देश ने दसंबर 2021
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ UAE ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਡਰ 19 ਏਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ 2021 ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਅੰਡਰ 19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ UAE ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਖਿਤਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 8ਵਾਂ ਖਿਤਾਬ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ। 2000 ਵਿੱਚ, 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟਰੋਫੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੀਮ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲ ਰਿਪਲੇਸ ਵੀਵੋ ਐਜ IPL ਟਾਈਟਲ ਸਪੋਂਸਰ ਫਾਰ 2020 ਐਂਡ 2023 ਸੈਸ਼ਨ? IPL ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ IPL ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਵੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡ੍ਰੀਮ 11 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਸਪੋਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਸਪੋਂਸਰ ਜੋ ਕਿ ਵੀਵੋ ਸੀ 2021-22 ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਮੁਰੂਗੱਪਾ ਗਰੁੱਪ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2022-23 ਦਾ ਜੋ IPL ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ। ਕੌਣ ਵਿਨਰ ਸੀ ਇਸਦਾ? ਗੁਜਰਾਤ। ਰਨਰ ਅਪ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਨਰ ਅਪ ਇਸਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਇਲਸ। ਇੱਕ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ। ਤਾਂ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋਰਜ ਬਟਲਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਪਲ ਕੈਪ, ਪਰਪਲ ਕੈਪ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਪਲ ਕੈਪ? ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੁਜਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਯੁਜਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 2022-23 ਦਾ IPL। ਵਿਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਤ, ਰਨਰ ਅਪ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਇਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ICC T20 ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ, ਸਮਿਰਥੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਫਾਲੀ ਵਰਮਾ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਮਿਰਥੀ ਮੰਧਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਜੋ ICC ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਲ ਟੀਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਿਰਥੀ ਮੰਧਾਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲਸ ਫਾਈਨਲ ਇਨ ਜਨਵਰੀ 2022? ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਸ ਫਾਈਨਲ ਇਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ, ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਦਵਾਦੇਵ, ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਜਾਂ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਇਹ ਹਨ ਸਪੇਨ ਦੇ। ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਦਵਾਦੇਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਦਵਾਦੇਵ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਡੈਵਿਸ ਕੱਪ। ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ 21 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਵਾਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ 21 ਵਾਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2022 ਸੈਯਦ ਮੋਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਡਬਲਸ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਇਸ਼ਾਨ ਭਟਨਾਗਰ ਐਂਡ ਤਨੀਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸਟੋ। ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਦਾਂਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ BWF ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਦਾਂਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ VWF ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 5 ਜੁਲਾਈ 1934 ਵਿੱਚ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 9th 9ਵੀਂ ਕੁਆਚਨ ਤਿਆਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੌਵੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਨਮਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਨਮਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ 9ਵਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁਆਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਦਾਖ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਲੱਦਾਖ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 15 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ 6 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸਿਡਨੀ ਟੈਨਿਸ ਕਲਾਸਿਕ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਐਸਲੀਨ ਕ੍ਰਾਸਤੇਵ, ਐਸਲੀਨ ਕ੍ਰਾਸਤੇਵ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਐਂਡੀ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ? ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਐਂਡੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3ਜਾ ATP ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਪਾਉਲਾ ਬਦੋਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਰਬੋਰਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ਿਸਕੋਵਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3ਜਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 3ਜਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਸਕੀਮਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ NEET 3.0 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਈਟੈਕ ਐਡਟੈਕ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨੀਟ ਕੀ ਹੈ? 3.0 ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਟੈਕ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਫੋਰ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੁਆਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹਨ? PM। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਵਾਣਿਜਿਕ ਐਂਡ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ NEET 3.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਿਪੁੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ 2026-27 ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨਿਪੁੰਨ ਇਸਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫੋਰ
फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेशी। इसकी फुल फॉर्म याद कर लियो भी तुहाडे तो कुछ भी पूछ सकता भी इन्हों का मतलब की है, आई का मतलब की है, ये तुहाडे तो पूछ सकता, इसलिए की है फुल फॉर्म याद कर लियो। केड़ी संस्था ने भारत विच, केड़ी संस्था ने भारत दी पहली मोबाइल हनी प्रोसैसिंग वैन लॉन्च की है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, नैशनल बी बोर्ड, पतंजलि आयुर्वेदा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डिवेलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। खादी एंड विलेज दे चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने 7 जनवरी 2022 नूं गाजियाबाद दे यूपी दे पिंड विच, गाजियाबाद यूपी दे पिंड सरोहा विखे देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसैसिंग वैन का लॉन्च किया। इस द्वारा विनय कुमार सक्सेना ये कौन हैं? ये के वी आई सी दे चेयरमैन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसके चेयरमैन कौन हैं? विनय कुमार सक्सेना। स्मार्ट सिटीज एंड अकैडमिका टू वर्ल्ड एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सार प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसनों लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, जिसनों शॉर्ट दे विच कहा जाता मऊआ। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA अते देश दे प्रमुख भारतीय अकादमिक संस्थान की एक सांझी पहल है। मऊआ एंड नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अते देश दे प्रमुख भारतीय अकादमिक इन्हां दी इह सांझ है। सार प्रोग्राम केंद्रीय सिक्ख्या अते हुनर विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 नूं 100 दिनों की पढ़न की मुहिम की शुरुआत की। मुहिम का नाम की सी? हुण असीं पढ़ के आए की नाम सी? पढ़े भारत। इसका नाम की सी? पढ़े भारत। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत की शुरुआत की है। धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी विखे सेंटर फॉर IIT गुवाहाटी विखे जो कि असम विच है, सेंटर फॉर नैनो टैक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया। अगे भारत विच मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती की याद विच हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वजो मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम जी की जयंती होती है। बिजली मंत्रालय ने जनवरी 2022 फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम के तहत LED लाइटा वंडन अते वेचण दे किन्ने साल पूरे कर लए हन? बिजली मंत्रालय ने 5 जनवरी 2022 नूं अपने उजाला प्रोग्राम तहत LED वंडन अते वेचण दे किन्ने साल? 7 साल पूरे कर लए हन। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 5 जनवरी 2015 नूं कीती गई। जनवरी 2022 फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्रालय वालों शुरू की गई PMFME स्कीम के अधीन अगे दित्तियां विचों किहड़ा ब्रांड एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहुँच के अधीन 6 ब्रांडा की सूची विच सूचीबद्ध नहीं है? जनवरी विच क्वेश्चन है, जनवरी विच एक प्रोसैसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा एक स्कीम शुरू की थी PMFME। इस स्कीम के अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस दे विच 6 ब्रांड बनाए गए थे। 6 ब्रांडा विचों तुसी दसना भी 6 ब्रांडा विचों केड़ा एक नहीं सी? अमृतफल कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्रा, दशहरी मैंगो। इसका सही आंसर की हो जाएगा? इसका सही आंसर है दशहरी मैंगो। ये 6 ब्रांडा विचों नहीं सी, बाकी सारा ठीक है। ये अमृतफल भी सी, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्रा, केड़ा नहीं सी? दशहरी मैंगो। इतने देख भी लो अमृतफल केड़े 6 ब्रांड ने? अमृतफल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना,
ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖ ਸਰ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ PMFME ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ PM ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ NCSK ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NCSK ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1993 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟਅਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੰਜ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਐਂਡ ਡੈਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਐਂਡ ਡੈਰੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੈਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੈਰੀ ਪਾਲਣ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟਅਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ 2015 ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਅਸਮ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੇਦੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਈ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਸ਼ਵਾਲੇ। ਫਿਸ਼ਵਾਲੇ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨੇ? ਪਰਿਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੇਦੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਮ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ NASP ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? NASP ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਮਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਰਡ ਵਾਲਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਕਾਰਡ ਵਾਲਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ।
ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਟੈਲੀਕਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 2000 ਤੱਕ ਸੌਰੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। RBI ਦੇ 5ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਮੁੰਬਈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935, RBI ਐਕਟ 1934 ਦੁਆਰਾ, RBI ਐਕਟ 1934 ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਏ? ਡੇ ਐਂਡ ਈਵੈਂਟ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? 2001, 2002, 3 ਜਾਂ ਫਿਰ 2004? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1915 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੈਨ ਇਜ਼ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੈਟਰਨ ਡੇ ਅਬਜ਼ਰਵਡ? 13 ਜਨਵਰੀ, 14, 15 ਜਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ 14 ਜਨਵਰੀ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ, ਇਹ 5ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਸਨ KM ਕਰੀਅੱਪਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ NSD ਦਾ 2022 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਥੀਮ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ, ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, SNT, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSD ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਥੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰ CV ਰਮਨ ਨੇ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1930 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ? 28 ਜਨਵਰੀ, 29 ਜਨਵਰੀ, 30 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 31 ਜਨਵਰੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਲੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 12 ਜਨਵਰੀ, 13, 14 ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਜਨਵਰੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਲੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਰੂਵਲੂਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ 2022 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਕਿੰਗ ਅਵਰ ਵੋਟਰਸ ਇੰਪਾਵਰਡ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ, ਸੇਫ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮਡ, ਵੋਟਰਸ ਹੈਵ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ,
मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव टेकिंग आवर कंट्री फॉरवर्ड विद एवरी सिटीजन। तो इसका सही आंसर सी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, चोणों नूं समावेशी पहुंचयोग अते भागीदार बनाउणा। भारतीय चोण कमीशन 2022 विच 12वां राष्ट्रीय वोटर दिवस मना रही है। नैशनल वोटर डे विशा की सी, ये असी कर लिया। विशा की सी मेकिंग इलेक्शन इनकलूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। 2011 तो राष्ट्रीय वोटर दिवस हर साल 25 जनवरी नूं मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 25 जनवरी 1950 नैशनल भारती चोण कमीशन का स्थापना होया सी। 25 जनवरी 1950। वट इज़ द थीम ऑफ नैशनल टूरिज्म डे 2022 विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th January एवरी ईयर। हर साल 25 जनवरी मनाए जाने वाले राष्ट्रीय टूरिज्म दिवस 2022 का थीम की सी, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर सी, इसका सही आंसर ही ग्रामीण अते भाईचारा केंद्रित सैर सपाटा रूरल एंड कम्यूनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, ऑप्शन डी। विश्व सैर सपाटा दिवस, राष्ट्रीय सैर सपाटा दिवस कदों मनाया जाता है? 25 जनवरी नूं। विश्व सैर सपाटा दिवस 27 सितंबर नूं मनाया जाता है। 27 सितंबर 1980 नूं यूनाइटेड नेशन ने पहला विश्व सैर सपाटा दिवस मनाया। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसका हैडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड दे विच, स्थापना 1 नवंबर 1975 विच। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो अगर तुसी याद कर लोगे तो चंगी गल है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 जनवरी नूं केड़े राज दे राजतब दिवस वजो मनाया जाता है? 25th January इज सैलीब्रेटड एज द स्टेटहुड डे विच स्टेट? UK उत्तराखंड, HP UP या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी नूं हिमाचल प्रदेश दे स्टेटहुड डे वजो मनाया जाता है। 18 दिसंबर 1970 नूं संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज एक्ट पास किया गया। इस तो बाद 25 जनवरी 1971 नूं हिमाचल प्रदेश 18वां राज बन गया। इतों के पहले मुख्यमंत्री बने सन यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश इहदे विच कुल 12 जिले हैं, लोकसभा दीआं 4 सीटां, राज्यसभा दीआं 3। इतों के कुछ नैशनल पार्क देख लो, ग्रेट हिमालियन नैशनल पार्क, पिन वैली नैशनल पार्क, इंद्र किला नैशनल पार्क, खीर गंगा नैशनल पार्क एंड सिंबलवाड़ा नैशनल पार्क। कुछ इतों के GI टैग हैं, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल। कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल एंड चंबा रुमाल, ये हैं हिमाचल प्रदेश के GI टैग। इन्हों विचों केड़े राज ने पंजावां राजतब दिवस 21 जनवरी 2022 नूं मनाया है? स्टेटहुड डे 21st January 2022। किनमां सी पंजावां? त्रिपुरा, मेघालय एंड असम, त्रिपुरा नागालैंड एंड असम, मेघालय नागालैंड या फिर असम, या फिर त्रिपुरा मेघालय एंड मणिपुर। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा मेघालय एंड मणिपुर। 21 जनवरी नूं अपना 50वां राजतब दिवस मनाया। इस दिन उत्तर पूर्व पुनर्गठन एक्ट 1971 लागू होया सी। त्रिपुरा इस दे विच लोकसभा दीआं 2 सीटां, राज्यसभा 1। त्रिपुरा मेघालय एंड मणिपुर इन्हां विच राज्यसभा एंड लोकसभा दीआं सेम सीटां हन। ये है जिन्हें भी स्टेट हैं उन्हां दा गठन कदों होया, इन्हां नूं याद करन दी इक ट्रिक है। जिवें आम आ तो की बन गया आंध्रा प्रदेश 1953 विच, मां तो महाराष्ट्र, गुना देख लो, गुना तो की बनता गुजरात, नागालैंड एंड हा तो हरियाणा, फिर इसे तक ना ही
हिमाचल प्रदेश, मेघ मंत्र, फिर मेघ मंत्र हो गया सी गर्मी। इस तरीके ने तुसी इनू याद कर सकते हो। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का विषय की सी? ऑप्शन ए बी सी या डी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेंजिंग कोर्सेज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी नूं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस वजों घोषित किया है। हर साल 24 जनवरी नूं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस साल जश्न के चौथे साल की यह कितवां एडिशन थी? ये चौथा एडिशन से। विषय कोर्स बदलना, सिक्ख्या का परिवर्तन करना। दसंबर 2018 संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दे जश्न का ऐलान किया। 2018 ये पहली बार मनाया गया। अपॉइंटमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। रेलवे बोर्ड का नवा चेयरमैन अते मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? जगदीप सिंह, सुनीत शर्मा, वीके त्रिपाठी, कुलदीप नायर। तो इस दे चेयरमैन हैं सीईओ वीके त्रिपाठी। इन्हों 1 जनवरी 2022 रेलवे बोर्ड का चेयरमैन अते मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। ये सुनीत शर्मा की जगह लेंगे। इस तो पहला कौन सन? इस तो पहला सुनीत शर्मा सीईओ एंड कार्यकारी अधिकारी चेयरमैन सन। भारतीय रेलवे मणिपुर विच दुनिया का सब तो उच्चे पीयर रेलवे पुल का निर्माण कर रही है। इसकी उचाई 141 मीटर, लंबाई 703 मीटर। उत्तर प्रदेश के झांसी विच झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के की रखता? रानी लक्ष्मीबाई तो नाम बदल की रखता? वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन ये नाम रख दिता। किस नूं ONGC दी पहली महिला चेयरमैन अते मैनेजिंग डायरेक्टर? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुहाडे एग्जाम विच पक्का पूछा जाएगा। क्योंकि देखो इत्थे दा पहला भी है ते महिला भी है। जिथे पहला एंड महिला आ जाए वो तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इंदु जैन, स्वाति कुमारी, निवेदिता यादव, अलका मित्तल। तो ONGC इसका चेयरमैन किसने चुना गया सी? पहली महिला चेयरमैन कौन है? अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल। ऑप्शन डी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने 3 जनवरी नूं अलका मित्तल नूं अपना पहला महिला चेयरमैन अते मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया। ये सुभाष कुमार की जगह लेंगे। ONGC का हैड ऑफिस, इसका हैडक्वार्टर है नई दिल्ली विच। सीईओ कौन है? अलका मित्तल। फाउंडर कौन है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तहदी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 के बीच। ये एक महारत्न कंपनी है। किसने भारत के नवे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA वजो चार्ज संभालिया है? एक तो कैग होंगे, वो कैग अलग चीज़ है तो CGA ये अलग चीज़ है। तो इसका सही आंसर की होगा? ये तो सही आंसर है सोनाली सिंह। ऑप्शन डी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसका सोनाली सिंह ने 1 फरवरी 2022 तो चार्ज संभालिया है। CGA ये कोई संविधानक संस्था नहीं, जो कैग है CAG कैग, एक ही है कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल, एक ही है संविधानिक संस्था। बट जो CGA ये कोई संविधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका संविधान के विच कोई भी जिक्र नहीं है। कुछ होर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लो। पीयूष गोयल ये लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, ये राज्यसभा दे विच नेता हैं। श्याम श्री निवासन सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। हितेंद्रा दवे सीईओ HSBC बैंक। सुपुर्थी प्रिया ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर फेसबुक इन इंडिया। भारत के फेसबुक अगर फेसबुक
फेसबुक तो किसी नूं कोई प्रॉब्लम है तो वह अगर कोई रिपोर्ट करना चाहता तो वह सपुरती प्रिया को कर सकता है। टी वी नरेंद्रन प्रेजिडेंट ऑफ CII प्रेस बी लाल ये क्या है ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ वट्सएप जिमें सपुरती प्रिया फेसबुक ले इस तरीके प्रेस बी लाल ये वट्सएप ले। 31 दसंबर 2022 सॉरी 31 दसंबर 2021 किसने भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड दे 24वें प्रमुख वजो अहुदा संभालिया है। राजेंद्र राठौर कृष्णा स्वामी नटराजन तनमे त्रिपाठी VS पठानिया इसका सही आंसर है VS पठानिया जी ने 31 दसंबर भारतीय तट रक्षक बल के 24वें प्रमुख वजो पद सांभिया है। ये 23वें DG कृष्णा स्वामी नटराजन की जगह लैणगे इन्हों तो पहला कौन सी कृष्ण स्वामी नटराजन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO पंजाब नैशनल बैंक के MD एंड CEO किसन नियुक्त किया गया अतुल कुमार गोयल मनोज साहा मंजू साहा मलिका अर्जुन राव नन ऑफ अबव इन्हों विचों कोई नहीं तो इसका सही आंसर की है अतुल कुमार गोयल ऑप्शन ए यूको बैंक के MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल जी ने पंजाब नैशनल बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किया गया। इस तो पहला कितने काम कर रहे सन ये सन यूको बैंक के MD एंड CEO गोयल मलिका अर्जुन राव की थान लैणगे। पंजाब नैशनल बैंक के पहला कौन सन मलिका अर्जुन राव इस तो पहला CEO एंड MD अतुल कुमार गोयल तो पहला मलिका अर्जुन राव। PNB नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर PNB प्राइड CRM मोड्यूल टूल लॉन्च किया। PNB ने एक PNB प्राइड CRM मोड्यूल टूल लॉन्च किया दिव्यांगों लई एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन है। दिव्यांग एक एप्लीकेशन लॉन्च किया किसने PNB ने। पंजाब नैशनल बैंक हैडक्वाटर नई दिल्ली CEO कौन हैं MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल इसकी स्थापना 19 मई 1884 इसमें इंडियन काउंसल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इसमें इंडियन काउंसल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इंडियन काउंसल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इसका चेयरमैन किसने नियुक्त किया गया MK जैन रघुवेंद्र तवर तनवर अनिल वोरा गिरीश चोपड़ा ये कौन हैं ये हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिटस रघुवेंद्र तवर आंसर की है रघुवेंद्र तवर ऑप्शन बी नू चेयरमैन नियुक्त किया गया। कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट हैं अतुल कुमार दिनकर राणे इन्हों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO नियुक्त किया गया। PV सिंधु जी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फैडरेशन BWF के एथलीट कमीशन का मैंबर नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार रावत ये चीन विच भारत के राजदूत हैं। कोटक महिंद्रा इन्होंने आसू स्यूज नूं 5 सालां लई बैंक का सुतंत्र डायरैक्टर नियुक्त किया। डेनियल ओर्टेगा नूं जनवरी 2022 विच किहड़े देश का राष्ट्रपति चुनिया गया है सही आंसर है निकरागुआ। इत्थों दे इह चौथी बार ये अपने अहुदे की चौथी बार सहुं चुकणगे। इसकी राजधानी है मनगुआ निकरागुआ की राजधानी की है मनगुआ। कौन हैं डेनियल ओर्टेगा इतों के की हैं राष्ट्रपति। भारतीय खेड अथॉरिटी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किसन वेटलिफ्टिंग लई पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर HPD वजो नियुक्त किया गया। अवनीश पांडू रमेश चंद्रा एंड्रू जैकब
विलियम स्मिथ। सही आंसर है अवनीश पांडु। खेल मंत्रालय ने 2024 दे पैरा ओलंपिक तक वेट लिफ्टिंग विच मोरिशन अवनीश पांडू नू पहला हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर HPT वजो नियुक्त किया। डायरेक्टर जनरल साई दे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे DG कौन हैं? संदीप प्रधान। इतों का इसका स्थापना 1984 दे विच साई की स्थापना 1984। क्रिकेटर अजाज पटेल भारत खिलाफ 10 विकेट लैन तो बाद एक इतों के हैं क्रिकेटर अजाज पटेल भारत खिलाफ 10 विकेट लैन तो बाद इन्हों दसंबर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। जिमें सारे पता है कि ICC ने 2021 तो मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ देना स्टार्ट किया। इस तरीके दसंबर के किसम दिता गया अजाज पटेल। दक्षणी अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सारे रूपों से संन्यास का ऐलान कर दिता है। तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। टोटल किन्ने हो चुके हैं? 75 ग्रैंड मास्टर। जनवरी 2022 विस्तारा एयरलाइन के नवे मुख कार्यकारी अधिकारी CEO वजो किसनों नियुक्त किया गया? रविंदर साहू, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, सतीश जैन, विनोद कानन। सही आंसर है ऑप्शन डी विनोद कानन नू विस्तारा एयरलाइन के मुख कार्यकारी अधिकारी CEO वजो नियुक्त किया गया। विस्तारा टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड अते सिंगापुर एयरलाइंस विचकार सांझा उद्यम है। इंपॉर्टेंट करंट अपॉइंटमेंट पंकज शर्मा मैक्सीको विच भारत का राजदूत, प्रदीप कुमार चीन विच भारत के राजदूत, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन ने हरजिंदर सिंह बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक लई देश दे दल दा सेफ डी मिशन नियुक्त किया। अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एरोस्पेस दे CEO एंड MD फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की दे प्रधान संजीव मेहता, विवेक चौधरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष टैक्स एंड कस्टम बोर्ड CBIC का नवा चेयरमैन कौन? विवेक जोरी। जनवरी 2022 किसनों पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन OPEC का नवा जनरल सकत्र नियुक्त किया? इसका सही आंसर की होगा? इसका सही आंसर है हैथम अल कईस, ऑप्शन डी पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन। ये देशों का संगठन की है? OPEC, जो पेट्रोलियम निर्यात करते हैं उन्होंने अपना संगठन बनाया है जिसका नाम है OPEC। इस दे नवे जनरल सकत्र कौन हैं? हैथम अल कईस। अगस्त 2022 तो 3 साल, अगस्त 2022 इन्हों का कार्यकाल स्टार्ट होगा 3 साल। OPEC की स्थापना होंगी है बगदाद ईरान के सैप्टेंबर 1960 के हैडक्वाटर है वियना ऑस्ट्रिया। अवार्ड एंड ऑनर्स 2021 लई किसने FIFA सर्वोत्तम पुरुष खिडारी का पुरस्कार जितया? सही आंसर की होगा? रॉबर्ट लेवाडोव्स्की, ऑप्शन सी। वायरन म्यूनिक ने पॉलिश स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवाडोव्स्की ने वायरन म्यूनिक के पॉलिश स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवाडोव्स्की ने 2021 FIFA बेस्ट मेल प्लेयर का पुरस्कार जितया। बार्सिलोना के स्पेनिश मिडफील्डर अलेक्सिया पुटेलास ने FIFA सर्वोत्तम महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जितया। ये कौन हैं? ये रॉबर्ट लेवाडोव्स्की। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जितया? प्रीति सैनोए, नमिता गोखले, अरविंद अडीगा, स्मित बाशु। इसका सही आंसर की है
अंग्रेजी भाषा विच किसने जितया है? नमिता गोखले ने। साहित्यिक अकादमी ने 30 दसंबर 2021 नूं 2021 दे लई 20 भाषाओं विच अपना पुरस्कार ऐलान कर दिता सी, जिहदे विच अंग्रेजी भाषा विच किसने जितया? नमिता गोखले। अपनी पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ते पंजाबी भाषा का किसने जितया? खालिद हुसैन। ये कौन हैं? ये पंजाबी भाषा विच अकादमिक पुरस्कार जितने वाले हैं। नीरज चोपड़ा 9 जनवरी 2022 विच इन्हां विचों केड़ा पुरस्कार दिता गया? पद्मश्री, पद्म विभूषण, परम विशिष्ट सेवा मैडल, बोथ वन एंड थ्री। सही आंसर है बोथ वन एंड थ्री, पद्मश्री एंड परम विशिष्ट सेवा मैडल। विश्व एथलैटिक, एक विश्व दे विच वर्ल्ड दे विच एथलैटिक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग जारी की है, जिस दे विच इस इन्हां दी रैंकिंग केड़ी है? इस सैकेंड रैंकिंग विच आए हैं 2020 विच, जो 2020 दा 2021 विच टोक्यो ओलंपिक होया सी, जिस दे विच जैवलिन थ्रो दे विच इन्हां ने सोने दा तगमा गोल्ड मैडल जितया सी। खेडां दे खेतर विच पद्म श्री पुरस्कार अते भारतीय फौज द्वारा परम विशिष्ट सेवा मैडल नाल इन्हां नूं सन्मानित किया गया। ये देख लो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री, ये की हैं? ये पुरस्कार किसी भी खेत्र विच उच्च पद्धरी सेवा लई दित्ते जांदे हैं। ये भारत विच दूजा सब तो वड्डा नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण दूसरा सब तो वड्डा नागरिक सम्मान है, पहले तो कौन है? भारत रत्न। सैकेंड पद्मा भूषण, ये भारत का तीजा सब तो वड्डा नागरिक सम्मान है, ये पहली बार 1954 विच दित्ता गया। पद्म श्री ये भारत का चौथा सब तो वड्डा नागरिक सम्मान है। जनवरी 2022 विच नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा किस नूं नेताजी अवार्ड 2022 नाल सम्मानित किया गया? के पी शर्मा ओली, यशुशेको नोडा, शिंजो आबे, शेख हसीना। ये तो सही आंसर है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिन्हां दी हाल विच जुलाई मंथ दे विच गोली मार के हत्या कर दित्ती गई है। जापान के सबका प्रधानमंत्री शिंजो आबे 23 जनवरी 2022 नूं, 23 जनवरी 2022 नूं ही क्यों दिता जांदा? क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ मनाया जाता है, इसनों पराक्रम दिवस वजो मनाया जाता है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो इसकी स्थापना 1957 विच डॉक्टर शिशिर कुमार बोस द्वारा, जापान राजधानी टोक्यो, करंसी जैपनीज येन, नेशनल स्पोर्ट सुमो रैसलिंग। प्रमोद भगत, इन्हां नूं किस खेत्र विच पद्म श्री पुरस्कार नाल सम्मानित किया गया? आर्ट्स, ट्रेड एंड अफेयर्स, सिविल सर्विस या फिर स्पोर्ट। तां इह की हन? इह हन एक पैरा बैडमिंटन खिडारी। की हन? इह पैरा बैडमिंटन खिडारी। पुरुष सिंगल SL3 विच 2020 दे समर पैरा ओलंपिक जो कि चीन विच होए सन सोने दा तगमा जितया सी प्रमोद भगत जी ने। इन्हां विचों किसने 2021 दे सब तो वधिया क्राफ्ट पिंड लई 2021 अंतरराष्ट्री क्राफ्ट अवार्ड जितया है? तमिलनाडु आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज, केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पंजाब, कर्नाटका। तां सही आंसर है केरला, सर्वोत्तम अवार्ड पिंड लई जितया है। केड़ी फिल्म ने कैलीफोर्निया अमरीका विच आयोजित 79th गोल्डन अवार्ड विच बेस्ट मूवी इन ड्रामा श्रेणी का खिताब जितया है? सही आंसर है ऑप्शन सी पावर ऑफ द डॉग। किसी भी जो भी कोई भी अवार्ड पूछा जाता मूवी रिलेटेड तो उस दे विच तुसी चार गल्लां याद रखनियां ने। सब तो पहला बेस्ट मूवी द पावर ऑफ द गॉड, एक या गोल्डन ग्लोब अवार्ड 79th एडिशन। ये पावर ऑफ द डॉग ने की जीता? सर्वोत्तम फिल्म। सैकेंड चीज़ की याद रखनी है भी बेस्ट डायरेक्टर कौन सी? जैन कैंपियन ने द पावर ऑफ द डॉग मूवी ली। बेस्ट एक्टर किंग रिचर्ड
विल स्मिथ किंग रिचर्ड लई किंग रिचर्ड मूवी दे लई निकोल किडमैन ये कौन हैं ये एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस बीइंग द रिकार्डोस बीइंग द रिकार्डोस जनवरी 2022 विच फोटो पत्रकारी श्रेणी विच रामनाथ गोयनका अवार्ड दे जेतू वजो किसनू नामजद किया गया। इसका अवार्ड किसनों दिता गया जर्नलिज्म श्रेणी विच किसनों दिता गया जीशान ए लतीफ ऑप्शन सी रामनाथ गोयनका एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड फर्स्ट अवार्ड ये पहली बार 2006 दे विच टू रिकनोजाइज द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नलिज्म फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया ये दिता जाता भी भारत के जिन्होंने भी जर्नलिज्म दे वधिया काम करते हैं उन्होंने ये अवार्ड दिता जाता है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 विच किसनों हरा के कांसी का तगमा जितया है। भारतीय महिला इंडियन वूमेन हॉकी टीम ने किसनों हरा के चाइना नूं 2-0 नाल हरा के कांसी का तगमा जितया है। किहड़ा जितया है ब्रोंज मैडल। पहला भी भारत ने 2 बार खिताब जित चुका है। भारत इस तो पहला भी 2 बार जित चुका है। फाइनल विच जापान ने फाइनल के किसने जितया है जापान ने किसनों हरा के दक्षण कोरिया ने। सैकंड ते कौन दक्षण कोरिया साउथ कोरिया। एशियन हॉकी फैडरेशन इसकी स्थापना एशियन हॉकी फैडरेशन जो कि यह कप कराती है उसकी स्थापना 1958। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार साल 2021 लई किसनों दिता गया। यह पुरस्कार उस क्रिकेटर नूं दिता जाता है जिसने टेस्ट दे विच 2021 दे विच बेस्ट परफॉर्मेंस किया होंदा है। यह दिता गया जो रूट नूं देखो आईसीसी अवार्ड जो 2021 विच दिते गए हैं इमरजिंग मैनस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसनों जनेमन मलान नूं दिता गया जनेमन मलान नूं। ये कौन हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। वूमेन इमरजिंग वूमेन क्रिकेटर ये हैं फातिमा सन पाकिस्तान। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल बाबर आजम पाकिस्तान। वूमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजे ली दक्षिण अफ्रीका। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट ठीक है। सो ये सी तुहाडे करंट अफेयर हुण कंप्लीट हो गया तुहाडा जनवरी मंथ का। इस तो बाद तुहानू करंट अफेयर के लिए कोई भी क्लास देखने की लोड़ नहीं हैगी। अगर तुहानू क्लास वधिया लगी आ ते लग्या भी इस दे लई कोई मैं मेहनत की है तां एक लाइक दे दिओ एंड अपने दोस्तों मित्र नाल शेयर कर दिओ ताकि उन्होंने भी ये कंटेंट मिल सके। सो इस तरीके की होर क्लास लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दिओ। जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास विच। थैंक यू।